25 सितंबर 1916 मथुरा के एक गांव नगला चंद्रभान में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है दीना। जब दीना 2.5 वर्ष के थे तो उनके पिता के बार बार होने वाले तबादलों और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें अपने पिता को छोड़कर अपने नाना के यहाँ अपनी माँ और छोटे भाई शिबू के साथ आकर रहना पड़ता है। कुछ दिनों बाद संदेहजनक स्थिति में इनके पिता की मृत्यु हो गई। अपने पिता का हाथ छोड़ते समय उस छोटे से बच्चे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके बाद वो अपने पिता की उंगली फिर कभी नहीं थाम सकेगा। हालातों ने एक 6-7 साल के बच्चे में एक अजीब सी गंभीरता ला दी थी। हे सूर्य भगवान, माँ कहती है तुम सबसे ताकतवर हो और फिर भी लोगों का भला करते हो, और मैं एक दिन तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। दीना, दीना, माँ बुला रही है। आया मम्मी। क्या हुआ माँ? माँ के साथ दवाई लेने जाना है। किसकी दवाई लेने जाना है? आप ठीक हो ना माँ? बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? बोलो, आप ठीक हो? तो कुछ बोलने देगा तो बोलूंगी ना। कुछ नहीं, थोड़ी सी खांसी हो गई है, पर तेरी मामी है क्या सुन ही नहीं रही? आपकी नहीं सुनूंगी जीजी, आप जाइए वैद्य जी के पास, दवा लेकर आइए, बस। हाँ मम्मी सही बोल रही है ना माँ, चलो आप वैद्य जी के पास चलो। हाँ हाँ चलती हूँ, लेकिन पहले खाना तो खा ले बेटा। हाँ बेटा, पहले तुम दोनों भाई खाना खा लो, फिर जाना। हाँ अच्छा बेटा, ये लो। धीरे माँ देखो आज शिबू को मैंने नहलाया। दीना बेटा तुम शिबू को लेकर नीचे बैठना, मुझे लेटने में दिक्कत हो रही है, नीचे बैठो। माँ इसके कपड़े कहाँ? वो बक्से में है, देखो। तुम दोनों को तुम्हारी मामी बाहर बुला रही, जाओ। और तुम दिन में लेटी क्यों हो? वो मैंने तुम्हें कारण पूछा है, उठने के लिए नहीं कहा है। वो हल्का सा बुखार था, अब ठीक है। तुम बोलना भी सीख गई हो। वैद्य जी मिले थे, तुम्हारी तबीयत का पूछ रहे थे। ये दवा शहर से मंगवाने के लिए कहा था ना, मुझे बताना जरूर भी नहीं समझा। वजह तो आप जान ही गए हैं पिताजी, शहर की दवा किससे काम की नहीं, शहरों का कोई इलाज नहीं। मुझे ऋषि पुकार यहाँ बैठने से मना कर रही थी।
और हुआ भी वही जो नियति को मंजूर था। उनकी माँ भी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। बेटा घर चल। माँ के साथ थोड़ी देर और रहने दो ना मामा। सूरज से तेज चमक होगी उसकी, लोहे से तेज धमक होगी उसकी, जो ना रुकेगा, जो ना थमेगा, वो सबसे अलग पहचान होगी उसकी। किसकी माँ? मेरे दीना की। माँ के जाने के बाद मामा मामी ही दोनों बच्चों का ध्यान रखते थे। एक दिन नाना जी और मामा को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। घर पर बच्चों और मामी के अलावा कोई नहीं था। तभी सारे जेवर हमारे हवाले करो। बच्चे को कुछ मत देना। मेरे भाई को वापस दे दो, वो डर रहा है। और तू? तुझे डर नहीं लग रहा? मैं नहीं डरता। माँ ने मुझे बताया था कि डाकू गरीबों की रक्षा के लिए अमीरों का धन लूटते हैं, इसलिए आप डाकू नहीं हो सकते, आप चोर हो। तो रात के अंधेरे में आकर औरतों से उनके जेवर छीन सकते हो। डाकू तो बहादुर होते हैं। दीना के साहस और निडरता के कारण डाकू भी नतमस्तक हो गए। नाना की मृत्यु के बाद दीना और शिबू मामा मामी के साथ कोटा आ गए। अभी दीना के हेडमास्टर साहब मिले थे, बता रहे थे कि दीना पूरी कक्षा में अव्वल आया है, बड़ा ही होनहार बच्चा है। आखिर मेरा बेटा है। बेटे से भी कहीं बढ़कर है, इसीलिए मैंने कुछ तय किया है। क्या? दीना की पढ़ाई अच्छे से हो, इसलिए सोच रहा हूँ कि उसे राजगढ़ भाई साहब के पास भेज, अच्छी शिक्षा उसे वही मिल सकती। ये है रमा, दीना के बड़े मामा जी की लड़की। अरे जीजी, दीना या पकड़ो। अरे अरे लाओ लाओ हमें दो। अरे दीना ये क्या कर रहे हो तुम? सुन लो जीजी, कल से पानी हम ही लाएंगे। मास्टर जी, ये आपका रजिस्टर मेरी कक्षा में छूट गया था। रख दो, धन्यवाद। अच्छा बच्चों ये बताओ, आप में से कोई इस सवाल को विलोपन विधि से हल कर सकता है? मैं कर सकता हूं मास्टर जी। तुम करोगे? जी मास्टर जी। करो फिर।
हो गया मास्टर जी। शाबाश दीनदयाल, नौवीं कक्षा के छात्र होकर दसवीं कक्षा के प्रश्न का उत्तर देकर तुमने अपनी अद्भुत प्रतिभा से साबित कर दिया है कि अगले वर्ष बोर्ड की परीक्षा में तुम हमारे विद्यालय और शहर का नाम जरूर रोशन करोगे। मैं भी यही चाहता था मास्टर जी, पर मुझे खेद है मैं आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। मामा जी के तबादले के कारण मुझे पूरे परिवार के साथ सीकर जाकर रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम जहां भी रहोगे अपने शिक्षकों और परिवार का मान हमेशा बढ़ाते रहोगे। दीना, किताबों और दूसरी चीजों के अभाव के बाद भी अपने मामा मामी से कभी भी किसी चीज की मांग नहीं करते थे। उन्हें अपने दोस्तों और भाई बहनों की जो भी किताब खाली समय में रखी मिलती वो उसी को पढ़ने लगते। एग्जाम के समय में दीना खुद तो पढ़ाई करते ही थे बल्कि साथ के साथ दूसरे विद्यार्थियों की मदद भी करते थे। दीना इंटरमीडिएट के एग्जाम में फर्स्ट आए। उनकी प्रतिभा के कारण कॉलेज के मालिक सेठ घनश्याम दास बिरला ने उन्हें आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप और अपने यहाँ नौकरी करने का प्रस्ताव भी दिया। आदत के मुताबिक उन्होंने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी ममेरी बहन रमा की बीमारी का पता चला वो नौकरी का प्रस्ताव छोड़ अपनी बीमार जीजी के पास पहुँच गए। दीना जी, जी 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 पर रमा जी जी बच ना सकी। जी 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 एक के बाद एक अपनों के छोड़कर जाने से दीना विचलित हो गए। काफी समय तक वो इस दुख से बाहर नहीं आ पाए। बेटा, तुम कब तक उदास दुखी बैठे रहोगे? तुम भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी करो। मुझे विश्वास है पुनः पढ़ाई की ओर ध्यान देने से तुम्हारा दुख थोड़ा कम होगा बेटा। मामा जी के समझाने पर दीना ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी की और उसमें चयनित भी हुए, लेकिन इंटरव्यू में सूट पहनकर जाना जरूरी था जो उनके पास नहीं था। वो धोती कुर्ता पहनकर ही इंटरव्यू देने गए। नमस्कार, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? नौकरी के लिए सूट पहनकर आना जरूरी होता है, क्या यह आपको मालूम नहीं है? वो भी देश की इतनी बड़ी नौकरी के इंटरव्यू में। मैं यह बात जानता हूं, लेकिन इस नौकरी के माध्यम से मैं जिस राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं वहां के रहने वाले 80% लोग यही वेशभूषा पहनते हैं, इसलिए धोती कुर्ता पहनने में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। दीना ने इंटरव्यू तो दे दिया, लेकिन उन्हें अपने सिलेक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसके विपरीत जब इंटरव्यू का नतीजा आया
तो दीनदयाल जी का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था, लेकिन नौकरी करना उनकी फितरत में नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक स्वयंसेवक का जीवन चुना था। आ गए अन्ना जी आप। फिर बिना देखे पहचान गए आप, कैसे करते हैं आप? इसका सीक्रेट फिर कभी बताएंगे, पहले बक्सा तो लाइए इधर। ये रहा आपका बक्सा और ये पते लिखे लिफाफे। अरे कभी एक आध टिकट उल्टी भी चिपका दिया करो। क्यों पंडित जी? वरना लोग देखकर ये सोचेंगे कि हमारे कार्यालय में एक चपरासी तक नहीं है। लाइए ये बक्सा। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देश की सेवा के लिए इन डिग्रियों की जरूरत नहीं, फिर बेवजह इनका बोझ क्यों ढोना? ये हमें पदभ्रमित कर सकती है। बिना मार्कशीट के भी दीनदयाल जी ने कई सारी पत्रिकाओं और न्यूज़पेपर को पब्लिश किया, यहाँ तक कि उन्होंने देश की एकता और शान को दर्शाने वाले एक उपन्यास सम्राट चंद्रगुप्त को एक बार में ही पूरा लिख डाला। उन्होंने किसी काम को छोटा नहीं समझा और दूसरों की मदद करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। माफ कीजिए बाबू साहब, देर हो गई, आपने क्यों तकलीफ की? इन अखबारों का समय पर स्टेशन पहुंचना बहुत जरूरी था। पर आप संपादक हैं, किसी और से कह दिया होता। कहा तो खुद से। दीनदयाल जी जिन आदर्शों के लिए पैदा हुए थे उन्हीं को मूर्त रूप देने के लिए उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। उन्होंने आजीवन देश सेवा का व्रत लिया। बंधुओं, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। केवल भारत नहीं, माता शब्द हटा दीजिए तो भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा मात्र रह जाएगा। इस भूमि के प्रति ममत तब आता है जब माता वाला संबंध होता है। यही देशभक्ति। जब तक पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक का विकास नहीं हो जाता, देश का विकास अधूरा है। देश को स्वाधीनता दिलाने, सर्वसंपन्न बनाने, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करने और संपूर्ण समाज में समरसता लाने के लिए जीवन पर्यंत मनसा वाचा कर्मणा अविराम साधना। भारतीय जनसंघ का हर कार्यकर्ता कोई नेता नहीं बल्कि एक स्वयं सेवक है। भारत माता की, 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 भारत माता की। सारी चिट्ठियां पोस्ट करवा देना। और वो पर्चियां छप कर आ गई? हाँ जी। चलो अच्छा है, चुनाव की तकरीबन सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जी। मैं तो ये कहता हूँ कि जातिगत भावनाओं को बढ़ावा देकर हम चुनाव में अपनी स्थिति को एकदम मजबूत कर सकते हैं। अपने मूल्यों को ताक पर रख पाई गई जीत मेरे लिए हजारों हार से भी बदतर है।
हमारा काम देश को जोड़ना है, उसे जाति और धर्म के नाम पर तोड़ना नहीं। हम राजनेता नहीं, स्वयं सेवक हैं। और अगर कोई इससे अधिक अभिलाषाएं लिए यहां बैठा है तो वो इसी पल यह पार्टी छोड़ सकता है। नमस्ते। नमस्ते जी, मैं स्वयं सेवक बनकर देश की सेवा करना चाहता हूं। लीजिए, फॉर्म लीजिए और बैठकर भर लीजिए। पंडित जी प्रणाम। अरे पीताम्बर जी, आप आइए आइए बैठिए। और सुनाइए पंडित जी, कैसे हैं आप? सब राम जी की कृपा है। और आप बताइए, सब कुशल मंगल? जी पंडित जी, सुना है कल आप पटना जा रहे हैं। हाँ, आप आ रहे हैं ना हमें विदाई देने। जी, जब कोई छोड़ने आता है और आपके लिए प्रार्थना करता है तो यात्रा से सकुशल लौटने के योग बढ़ जाते हैं। पंडित जी, मैं तो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी हर यात्रा मंगलमय हो। लेकिन दीनदयाल जी की ये यात्रा मंगलमय ना हो सकी। इसी यात्रा में उनकी हत्या कर दी गई। वे मात्र 52 साल के थे। सारा देश उनका घर और पूरा समाज उनका परिवार था। शरीर का हर कण और जीवन का हर क्षण उन्होंने राष्ट्र के चरणों में अर्पित कर दिया था। उनका एक ही सपना था, भारत माँ को परम वैभव तक पहुँचाना। लेकिन कुछ लोगों के लिए देश का सर्वांगीण विकास देखना भी दूभर हो रहा था। वजह कोई नहीं जानता, लेकिन एक अच्छा इंसान, एक सच्चा स्वयंसेवक हमें सदा के लिए छोड़कर चला गया था। लेकिन उनके बनाए सिद्धांत आज भी जिंदा हैं और हमें सही राह दिखा सकते हैं। बस जरूरत है पंडित दीनदयाल जी जैसे महापुरुषों के त्याग और जीवन को याद रखने की।